पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से शहर के गीतांजलि टॉकी चौक पर उद्योगपति अदानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि उद्योगपति अदानी का घोटाला सामने आया है, मगर केंद्र सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अदानी का जनता पैसों का घोटाला किया गया है, केंद्र सरकार एक ही उद्योगपति पर मेहरबान क्यों है, ऐसे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही आगामी दिनों में इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन का इशारा भी कांग्रेस की ओर से दिया गया। भैया, जिस तरीके का देश में आज वातावरण मोदी जी ने और उनकी टीम ने फैलाया, लोग सारे के सारे भ्रमित हो गए। जिस तरीके से मोदी जी ने देश में वातावरण फैलाया, उस तरीके से सारे सामान्य नागरिक भ्रमित हो गए। उनको अपने पैसे सेफ नहीं लग रहे, उस चीज़ का बड़ा आंदोलन हम SBI के सामने कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोगों के मेहनत के पैसे हैं, उन पैसों को जिस तरीके से सादे पद्धत से मोदी जी ने अडानी जी के अकाउंट में विड्रॉल कर दिए, वो पैसे हमको वापस चाहिए। सामान्य लोगों का पैसा है, देश का पैसा है, ये देश में ही रहना चाहिए। ये हमारे नेता राहुल जी गांधी, नागपुर शहर अध्यक्ष विकास भाऊ ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे नाना भाऊ पटोले, यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेसी, ये बड़े से बड़ा आंदोलन इसके बाद भी करेंगे। बड़े से बड़ा आंदोलन होगा शहर में, पूरे महाराष्ट्र में होगा। रवि गाड़गे पाटिल, उपाध्यक्ष कांग्रेस पक्ष नागपुर शहर। आज का जो ये आंदोलन है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार और हमारे शहर के अध्यक्ष श्री विकास भाऊ ठाकरे के आदेश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 18 के अंतर्गत यहाँ जो गीतांजलि पे SBI का स्टेट बैंक का जो ब्रांच है उसके सामने लिया गया है। और ये लेने का जो हमारा मकसद है, जो अदानी ने जो इंडिया की गवर्नमेंट को और इंडिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो चूना लगाया है SBI और LIC को, और जो भली जनता, जो साफ सुथरी जनता को जो हजारों करोड़ का जो चूना लगाया, उसके विरोध में हम लोगों ने ये निर्देशन लिया है। जो मोदी जी ने निर्मला सीतारमण द्वारा 21,000 करोड़ की जो मदद अडानी को की थी, उसका हिसाब किताब अभी तक नहीं लिया है। और बाकी जो और भी दिगर जो MLAs, MP दूसरी पार्टी के रहते हैं, उन पर ED की जांच बैठती है, CBI की जांच बैठती है, लेकिन पिछले एक महीने से यह अदानी का प्रकरण चल रहा है, अभी तक इस पर ED की कोई मांग नहीं हुई है, अभी तक CBI की कोई जांच नहीं हुई है, अभी तक अडानी खुला घूम रहा है, अडानी को अभी तक डिटेन नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि अडानी को डिटेन किया जाए और जितना भी हिसाब है, जो गरीब जनता को जो नुकसान हुआ है, उसे जल्द से जल्द उसका हिसाब किताब मोदी जी को देना चाहिए। यह रंगा बिल्ला की जो सरकार है, हम दो और हमारे दो की जो सरकार है, हम दो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और हमारे दो अडानी और अंबानी, जैसा अडानी ने अभी डुबोया है, कुछ दिनों में ये अंबानी भी डुबोने वाला है, इसके विरोध में हम खड़े हैं। अगर से अडानी को डिटेन नहीं किया गया तो हमारा जो ये नारा निर्देशन है, ये तीर आंदोलन की शक्ल में बदल जाएगा और हम यहाँ से दिल्ली और मुंबई जहाँ भी जाना पड़े वहाँ तक जाएंगे। शुक्रवार को हुए इस आंदोलन में विधायक विकास ठाकरे के आदेश पर किया गया। इस आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक मानसी की रिपोर्ट।